बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट या फिर ट्रिग्नोमेट्री की है। एक्सप्रेस लॉग ऑफ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इन दी फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी। ए प्लस आई बी का मतलब है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में हमें सेपरेट करके लिखना है। और यहाँ पर हमको जो भेजा गया था वो कैपिटल लॉग था, हमने इसको स्मॉल लॉग में दोनों लिखे हुए हैं। अगर एक्चुअल में कैपिटल में ही है तो उसको दोबारा सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि स्मॉल लॉग जो होता है वो प्रिंसिपल वैल्यू को डिनोट करता है और कैपिटल लॉग जो है वो जनरल वैल्यू को डिनोट करता है, उसका रिज़ल्ट कुछ दूसरा होगा। तो उम्मीद है कि स्मॉल लॉग ही होगा, इसलिए हमने स्मॉल लॉग ले लिया। अगर कैपिटल हो तो आप दोबारा सेंड कर दीजिए क्वेश्चन। तो ये यहाँ पर हमको जिस फंक्शन का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में चेंज करना वो ये है, इस क्वांटिटी को जो भी दे रखी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है इसको मैं रियल और इमेजिन में सेपरेट करके लिखना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, जिसको हम यहाँ पर नीचे फार्मूले को लिख दे रहे हैं कि लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का फार्मूला होता है लॉग एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1/2 लॉग रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस आई इंटू टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट मतलब आई का जो कोफिशेंट होता है उसको बोलते हैं, और रियल पार्ट ये जिसमें आई नहीं होता है उसको। तो इसमें ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें रियल पार्ट अलग हो गया और इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया। तो इसको मैं दो बार लगाना होगा, अप्लाई करना होगा, क्यों दो लॉग हैं। तो पहले अंदर जो लिखा हुआ लॉग उसमें इस फार्मूले को जब अप्लाई करेंगे तो इस लॉग को तो एज इट लिख दीजिए, और इसमें जब अप्लाई करेंगे तो फार्मूला होता है 1/2 लॉग रियल पार्ट जो कि हमारे यहाँ पर कॉस थीटा है उसका स्क्वायर करना होगा प्लस इमेजिनरी पार्ट आई का जो कोफिशेंट है यानी साइन थीटा उसको लिखना होगा, उसका स्क्वायर करना होगा, फिर प्लस का आई है आई टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट यानी साइन थीटा अपान में रियल पार्ट जो कि है कॉस थीटा। तो ये वैल्यू हो जाएगी लॉग ऑफ 1/2 लॉग, हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, प्लस आई इंटू टेन इनवर्स ये साइन थीटा अपान कॉस थीटा ये भी होता है टेन थीटा के इक्वल। तो इसको हम लोग लिख देंगे टेन इनवर्स टेन थीटा, यानी ये आई टेन इनवर्स चल रहा था टेन थीटा, साइन अपान कॉस के यहाँ पर टेन थीटा रख दिया। और लॉग वन की वैल्यू हम लोग जानते हैं जीरो के इक्वल होती है, और यहाँ पर टेन इनवर्स से टेन ये हट जाएगा, ओनली थीटा हमारे पास बचेगा। तो अगले स्टेप में लिखेंगे लॉग, शुरुआत में हम ला चल ही रहा है, अगले पेज पर लिख रहे हैं लॉग ऑफ 1/2 और लॉग वन की वैल्यू तो ज़ीरो के इक्वल आगे वो लिख दी, प्लस आई जैसे कि पहले बताया था टेन बस टेन हट के ओनली थीटा बचेगा। और ये इस तरीके से हमारा लॉग 1/2 इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। हम ये इसलिए इसको ज़ीरो लिख रहे हैं, हटा इसलिए नहीं रहे ताकि हम बता सकें ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, ये रियल पार्ट है, और आई को कोफिशिएंट ये इमेजिनरी पार्ट है। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिथम का फार्मूला हमने पीछे भी लिखा हुआ है पेज पर, पिछले पेज पर, और इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो फार्मूला होता है 1/2 लॉग रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और प्लस आई इंटू टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर थीटा और रियल पार्ट ज़ीरो है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 लॉग ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ पर ज़ीरो इसमें ऐड होके ओनली थीटा स्क्वायर आएगा, और प्लस आई इंटू थीटा को जब ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो हम लोग जानते हैं ये वैल्यू इन्फिनिटी होती है, और ये लॉग में पावर जो होती है उसका आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसमें आगे टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा और लॉग ओनली थीटा बचाऊँ यहाँ पर। और टेन इनवर्स इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है वो पाई बाई टू के इक्वल होती है, तो ये टू से टू कैंसिल होने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी लॉग थीटा प्लस आई इंटू पाई बाई टू, यानी हमको वैल्यू जो फाइंड करना थी लॉग ऑफ लॉग कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की वैल्यू आ चुकी है लॉग थीटा प्लस आई पाई बाई टू। इसमें ये इतना लॉग थीटा रियल पार्ट है और यहाँ पर पाई बाई टू इमेजिनरी पार्ट है, और ये ए प्लस आई बी के फार्म में है, यानी ये ए की वैल्यू हमारी लॉग थीटा है और बी की वैल्यू
फाइव बाई टू है। आपको लिखना नहीं है ए की वैल्यू इतनी है, बी की वैल्यू इतनी, बस इतना लिख के यहाँ पर छोड़ देना है, ये कम्प्लीट हो चुका है। बस ये है कि कैपिटल लॉग है या स्मॉल लॉग है इसको मैं बता दीजिएगा, अगर स्मॉल लॉग ही हो तो हमारा ये कम्प्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। कैपिटल लॉग के लिए मैं दोबारा सॉल्व करना होगा। थैंक यू वेरी मच इंडीज फॉर लिसनिंग मी। वाखरुद्दावाना अलहमदिल्लाहि रब्बिल आलमीन।